हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारे इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम के बारे में। ज्योग्राफी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस क्लास में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाले हैं कंटेंट के साथ सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स एंड की लोकेशंस। ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स कंसिस्टिंग ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स क्रिएट अ सिस्टमैटिक नेटवर्क ऑफ लाइंस दैट इनेबल अस टू रिप्रेजेंट various surface features of the earth. These coordinates are essential for determining location, distance and direction. ये जो हमारी अर्थ है इसमें कई सारी imaginary lines को consider किया जाता है जो कि latitudes and longitudes होती हैं। तो इसमें जितनी भी लेटी हुई lines हैं यानी कि जो इस direction में दिखती हैं क्षैतिज, ये होती हैं latitudes, और जो इस directions में lines होती हैं उनको longitude कहते हैं। ये सभी lines जो हैं हमारी अर्थ के सर्फेस फीचर्स को रिप्रजेंट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। इनकी मदद से हम लोकेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं। अगर बात करते हैं ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स की, व्हाट आर ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स? सो ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो डिग्रीज़ में मेजर किए जाते हैं जो कि एंगुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू 60 मिनट्स एंड ईच मिनट इंटू 60 सेकेंड्स। अगर हम कार्टेशियन प्लेन में देखें तो जैसे हम एक्स एंड वाई एक्सिस को डिफाइन करते हैं, सेम वे में हम जो ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट हमारे होते हैं उनको डिग्रीज़ में डिफ़ाइन करते हैं। तो इन डिग्रीज़ में कैसे डिफ़ाइन किया जाता है? जो एक डिग्री होती है वो फर्दर 60 मिनट में डिवाइड होती है, और 60 मिनट जो है वो फर्दर 60 सेकेंड्स में डिवाइड होते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड किस तरीके से वर्क करते हैं। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, सबसे पहले तो आप इसमें देख लीजिए इमेज में, यहाँ पर जो आपको दिखाए गए हैं 90, 80 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, ये हमारे जो भी सर्कल्स हैं ये हमारे लैटिट्यूड्स हैं। ये लैटिट्यूड्स दिखाए गए हैं, और जो सबसे मिडल वाला है यानी 0 डिग्री, इसे इक्वेटर कहते हैं। इसके ऊपर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 60। इसी तरीके से सेम वे में नीचे भी हमारी होती हैं। जितना भी ऊपर का पोर्शन है इसे नदर्न हेमिस्फेयर कहा जाता है, और इसके नीचे का जो भी पोर्शन होगा इक्वेटर के नीचे का, इसे सदर्न हेमिस्फेयर कहेंगे। इनकी ख़ास बात यह है कि सभी जो लैटिट्यूड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। आप देख सकते हैं चाहे जहाँ से आप डिस्टेंस देखें, एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड की डिस्टेंस जो है वो सेम ही रहेगी। वैल्यूज़ की बात करें तो इक्वेटर में 0 डिग्री, नॉर्थ पोल पे 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल पे 90 डिग्री साउथ पे। टोटल पैरेलल्स कितने होते हैं? दीज आर 179 पैरेलल्स इंक्लूडिंग द इक्वेटर। अगर इक्वेटर को इंक्लूड करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। तो 89 इधर हो गए और 89 ही नीचे भी हो जाएंगे। इक्वेटर को इंक्लूड कर दें अगर हम लोग तो 89 प्लस 89 और प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और ये 179 टोटल हो गए। और ये जो है 90 पर ये एक पॉइंट है, ये कोई भी सर्कल नहीं है, ये एक सिर्फ एक पॉइंट है। तो अगर सर्कल्स की बात की जाए कि ये कितने टोटल सर्कल हैं, 179 सर्कल्स टोटल हैं। तो पैरेलल्स कितने हो गए? 179 हो गए। लेंथ वेरिएशन की बात की जाए, एट द इक्वेटर 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज़ अप्रॉक्सीमेटली 111 किलोमीटर। दिस लेंथ वेरी स्लाइटली बींग 110.6 किलोमीटर्स एट द इक्वेटर एंड 111.7 किलोमीटर्स एट द पोल। दो लैटिट्यूड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 111 किलोमीटर्स के अराउंड होती है, और ये वेरी करती रहती है। जैसे कि 110.6 किलोमीटर्स हो जाती है इक्वेटर के पास में, और पोल्स के पास में ये डिस्टेंस 111.7 किलोमीटर्स हो जाती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मेजर्स द डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन विद लाइंस कॉल्ड मेरिडियंस। अनलाइक लैटिट्यूड, मेरिडियन कन्वर्स एट द पोल। आप देख सकते हैं कि जैसे हमने लैटिट्यूड्स को पढ़ा था उस तरीके से लॉन्गिट्यूड्स नहीं है, ये सभी जो हैं पोल में आके कन्वर्स हो जाते हैं। ये लाइंस सभी जो हैं एक पॉइंट पर मीट होती हैं, यानी कि ये पैरेलल नहीं होती हैं, इनकी डिस्टेंस यहाँ पर कम है और धीरे धीरे इनके बीच की डिस्टेंस जो है ये बढ़ती जाती है। और जो हमारा बीच वाला पॉइंट है बिल्कुल ये इक्वेटर वाली, इक्वेटर की लाइन कुछ यहाँ से होकर के जाएगी, तो इक्वेटर के पास में इनकी डिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो जाती है। जैसे हमने इक्वेटर को पढ़ा था यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड को हमने इक्वेटर कहा था, उसी तरीके से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये आप देख सकते हैं प्राइम मेरिडियन है। इसके बाद 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, 50, 60।
अगर हम इस लाइन को प्राइम मेरिडियन कंसीडर करते हैं तो इधर का जितना भी हेमिस्फीयर होगा इसको वेस्ट हेमिस्फीयर कहेंगे और इधर वाले हेमिस्फीयर को ईस्ट हेमिस्फीयर कहते हैं। इसलिए जब कभी हम लोग इंडिया को कंसीडर करते हैं तो हमारी अर्थ में कुछ इस तरीके से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, ये पूरा हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउथ हेमिस्फीयर हो जाएगा, ये वेस्ट हेमिस्फीयर और ये वाला ईस्ट हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो हमारा इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है, इस जगह पर लोकेटेड है, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में ईस्ट साइड में लोकेटेड है। 0 डिग्री वाली लाइन को हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जो कि ग्रीनविच से होकर के पास होती है लंदन में। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट इन 1884 में ये डिसाइड हुआ था कि जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है वो ग्रीनविच से होकर के जाती है। बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की, तो ये वैरी करते हैं 0 डिग्री टू 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। लेंथ वेरिएशन की बात की जाए तो डिस्टेंस बिटवीन मेरिडियंस इज मैक्सिमम एट इक्वेटर। जैसा कि आपको बताया था कि इनकी डिस्टेंस जो है वो पोल पर आके मिनिमम हो जाती है और धीरे धीरे दोनों के बीच के डिस्टेंस बढ़ती जाती है और जो इक्वेटर का पॉइंट होता है उस जगह पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाती है और वो कितनी होती है 111.33 किलोमीटर्स। और पोल पर ये आके ज़ीरो हो जाती है क्योंकि वहीं पर ये सारी लाइन्स कन्वर्ज हो जाती हैं, पोल पर आकर के ज़ीरो हो जाती है। लॉन्गिट्यूड का मेरिडियन ड्रॉ करने का प्रोसीजर आपको यहाँ पर दिया गया, ड्रॉ ए सर्कल विद द नॉर्थ पोल एट द सेंटर, ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन टू रिप्रेजेंट 0 डिग्री एंड 180 डिग्री मेरिडियंस, यूज ए प्रोट्रैक्टर टू मेजर एंड ड्रॉ एडिशनल लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, रोटेशन एंड टाइम, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कम्प्लीटिंग 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इन 24 आवर्स। दिस रिजल्ट्स इन अ टाइम चेंज ऑफ 4 मिनट्स पर डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। रोटेशन एंड टाइम की अगर बात करें तो हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को कवर करती है 24 आवर्स में। तो अगर बात की जाए 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स की जो कि 24 आवर्स में कवर होते हैं, यानी अगर इनको मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को अगर देखें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 24 × 60/360 और इसको कैलकुलेट करने पर हमारे पास में ये 4 आता है, यानी 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। सो दिस रिजल्ट्स इन द टाइम चेंज ऑफ 4 मिनट्स पर डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब हम लोग कुछ टाइम कैलकुलेशन के एग्जांपल देखते हैं, जस्ट लाइक थिम्पू जो है वो 90 डिग्री ईस्ट में लोकेटेड है। ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जो ग्रीनविच है वो हमारी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है, इससे कैलकुलेट किया जाता है। अगर देखा जाए तो थिम्पू की लोकेशन है 90 डिग्री ईस्ट में, ये हमारी 0 डिग्री की हो गई, यहाँ पर कई सारी लाइन्स होंगी और 90 पर जो लाइन होगी वो वहाँ पर थिम्पू लोकेटेड होगा। तो इसके बीच में 90 लाइंस हैं, यानी 90 × 4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 360 मिनट्स। 360 मिनट्स का मतलब होता है 6 आवर्स, यानी कि जो थिम्पू है वहाँ का जो लोकल टाइम होगा वो 6 PM होगा इन कंपेरिजन टू ग्रीनविच टाइम। नाउ अगर न्यू ऑर्लियंस का निकालना है जो कि 90 डिग्री वेस्ट में है, तो इसका टाइम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसकी टाइम कैलकुलेशन इस तरीके से होगी 90 × 4 मिनट्स पर डिग्री, जो कि आ जाएगा 6 आवर्स के इक्वल। बट क्योंकि ये वेस्ट में है तो हम लोग टाइम में पीछे जाएंगे, यानी कि ये जो लोकल टाइम हो जाएगा वो 6 AM हो जाएगा। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, कंट्रीज़ यूज़ स्टैंडर्ड मेरिडियन टू डिटरमाइन लोकल टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया जो है अपना स्टैंडर्ड टाइम यूज़ करता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में, जो भी टाइम हो रहा होगा उस टाइम को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, विच इज़ 5 hours 30 मिनट अहेड ऑफ GMT। जो GMT वाली लाइन है उससे 5.5 घंटे आगे का जो हमारा टाइम है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो कि लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट में देखा जाता है। नाउ हम लोग बात करते हैं लैटिट्यूडिनल एंड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन की। लैटिट्यूडिनल एक्सपेंशन क्या होता है, इमेजिनरी लाइंस ज्वाइनिंग ऑल पॉइंट्स विद सिमिलर एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर मेजर्ड इन डिग्रीज फ्रॉम द इक्वेटर। टोटल पैरेलल्स जैसा कि हम जानते हैं 179 होते हैं इंक्लूडिंग 0 डिग्री इक्वेटर। डिस्टेंस की बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 111 किलोमीटर्स दो लैटिट्यूड लाइंस के बीच की डिस्टेंस होती है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन की बात करते हैं, इमेजिनरी लाइंस ज्वाइनिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल। अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ एंड साउथ पोल को ज्वाइन करने वाली जो इमेजिनरी लाइंस हैं ये हमारी क्या होती हैं, इनको मेरिडियंस कहा जाता है।
और ये इक्वेटर को क्रॉस करती है, हर एक लाइन में से इक्वेटर को क्रॉस करती है। प्राइम मेरिडियन की बात की जाए तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट 1884 के अकॉर्डिंग 0 डिग्री इस्टेब्लिश की गई थी, जो कि ग्रीनविच से होकर के जाती है लंदन से। डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 111.33 किलोमीटर दो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, और ये इक्वेटर में मैक्सिमम होती है और पोल में जाकर के जीरो होती है, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब डिस्टेंस नहीं है दो लॉन्गिट्यूड के बीच की, जबकि लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस 111 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स मानी जाती है। नाउ हम लोग की लोकेशंस की बात कर लेते हैं अपने इंडिया में। तो इंडिया को अगर हम 4 डायरेक्शंस में देखें तो सबसे ईस्टर्न पॉइंट जो है कि विदु है अरुणाचल प्रदेश का, नॉर्थ में इंदिरा कॉल है जो कि सियाचिन लद्दाख में है, वेस्ट में गुहार मोती गुजरात में, और साउथ में इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार द्वीप में। पॉपुलेशन 17.5% है एज पर सेंसस 2011। टोटल विलेजेस आर 640,932। माउंट एवरेस्ट विदिन 1 डिग्री लैटिट्यूड फ्रॉम न्यू दिल्ली। ईटानगर जो कि कैपिटल है अरुणाचल प्रदेश की, ये लोकेटेड है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 530 meters अबव द सी लेवल बिटवीन 93 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड 27 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। किसी भी सिटी या फिर किसी भी स्टेट की लोकेशन अगर इंटरनेशनल लेवल पर हमें बतानी है, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के टर्म में बतानी है, तो कुछ इस तरीके से बताई जाएगी। सपोज ये कोई सिटी है या कोई स्टेट है, तो इसकी लोकेशन बताने के लिए हमें उसका लॉन्गिट्यूड एंड उसका लैटिट्यूड चेक करना होगा कि वो कौन से लॉन्गिट्यूड एंड कौन से लैटिट्यूड पर लोकेटेड है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सीजनल इवेंट्स एंड ज्योग्राफिकल फिनामिना। सबसे पहले हम लोग समर सोल्स्टिस की बात करते हैं। अकर्स व्हेन वन ऑफ द अर्थ्स पोल इज टिल्टेड मैक्सिमली टुवर्ड्स द सन। समर सोल्स्टिस तब होता है जब कोई भी एक पोल सन की तरफ मैक्सिमम टिल्टेड हो जाता है। हैपेंस बिटवीन जून 20 एंड जून 21 के अप्रॉक्सी ये होता है इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड बिटवीन December 20 एंड December 23 इन सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में ये सिचुएशन 22 दिसंबर के आसपास होती है, और जो नदर्न हेमिस्फीयर है उसमें 21 जून के आसपास ये सिचुएशन होती है। विंटर सोल्स्टिस की बात की जाए, द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर व्हेन वन ऑफ द अर्थ्स पोल इज टिल्टेड फार्थेस्ट फ्रॉम द सन। इक्विनॉक्स क्या होता है? डेज व्हेन डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ अकरिंग ऑन March 20 एंड September 23। ये दो डेट्स ऐसी हैं जब दिन और रात इक्वल लेंथ के होते हैं, 20 ऑफ मार्च एंड 23 ऑफ सितंबर। ये दो ऐसे डेट्स हैं जिनमें इक्विनॉक्स होता है, यानी डे एंड नाइट इक्वल लेंथ में होते हैं। ऑरा बोरियालिस की बात की जाए, ए नेचुरल लाइट डिस्प्ले सीन इन हाई लैटिट्यूड रीजन्स अराउंड द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक ऑल्सो नोन एज नदर्न एंड सदर्न लाइट्स। आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन के अराउंड हाई लैटिट्यूड रीजन में एक नेचुरल लाइट डिस्प्ले होती है जिसे ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं, इन्हें नदर्न और सदर्न लाइट्स भी कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात की जाए तो ये जो हमने अभी पढ़ा था लैटिट्यूड्स 23 डिग्री 30 मिनट्स लैटिट्यूड पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लोकेटेड होती है, और ये इंडिया को लगभग 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। टोटल 8 स्टेट से होकर के पास होती है। वो कौन कौन से स्टेट हैं? राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम एंड त्रिपुरा। क्लोजेस्ट इंडियन सिटी है मायापुर, वेस्ट बंगाल। नाउ हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ PYQs को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, द लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज़ बिटवीन। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, और हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 37 डिग्री 6 मिनट टू 8 डिग्री 4 मिनट्स होगा। दोनों नॉर्थ ही होंगे, जैसा कि आपको बताया था कि हमारा इंडिया जो है वो नदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैटिट्यूड दैट पासिस थ्रू सिक्किम ऑल्सो पासिस थ्रू। ऐसा लैटिट्यूड जो सिक्किम से पास होगा वो और कौन से स्टेट से पास हो सकता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है राजस्थान। राजस्थान से होकर के वही लैटिट्यूड जाएगा सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है वो जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर या फिर नागौर, इनमें से जैसलमेर से होकर के पास होगा 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23° 30' नॉर्थ पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो 8 स्टेट्स हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, तो इनमें से बिहार, झारखंड का इलाका, जो बिहार पहले झारखंड बिहार में ही हुआ करता था, तो झारखंड से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। करेक्ट आंसर हमें सेलेक्ट करना है, कोड दिया गया है, फर्स्ट पे गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड। कोड आपको दिए गए हैं जिनमें से गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड सही होगा, यानी 1, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास, 6, 8, 7 और 9। तो 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट क्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर और मिजोरम। तो इनमें से मणिपुर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती है, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ एंड मिजोरम से पास होती है, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। गांधीनगर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नियरेस्ट है। अमंग द फॉलोइंग सिटीज़ विच वन इज़ नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर। कोलकाता जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के काफ़ी नज़दीक है। विच इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इंटू ऑलमोस्ट 2 equal parts। तो जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि 23° 30' नॉर्थ में लोकेटेड है, ये इंडिया को 2 equal parts में डिवाइड करती है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स लाइज नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मणिपुर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा ये सभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में पड़ते हैं, जबकि मणिपुर जो है वो पूरा का पूरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नदर्न पोर्शन में लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस विल हैव द मैक्सिमम डे लेंथ इन द मंथ ऑफ जून। जून मंथ में सबसे ज़्यादा जो डे लेंथ होगी वो इनमें से कौन सी सिटी की होगी, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल और दिल्ली। दिल्ली की सबसे ज़्यादा डे लेंथ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन देयर इज़ अ मिडनाइट एट आईएसटी मेरिडियन, अ प्लेस ऑब्जर्व 6 AM, द मेरिडियन ऑन विच द सेट प्लेस इज लोकेटेड इज। हमें बताना है कि आईएसटी पर हो रहा है मिडनाइट और किसी प्लेस पर अगर 6 AM हो रहा है तो उसका मेरिडियन क्या होगा उस प्लेस का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आईएसटी में मिडनाइट है, दैट इज़ इंडिया का जो आईएसटी है वो 82° 30' पर लाई करता है। सो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। वी नो दैट 4 minutes इज़ इक्वल टू 1 degree, दैट इज़ 1 minute इज़ इक्वल टू 1/4 degrees। अगर इसको हम लोग अगर 12 से लेकर के देखें 6 AM तक, 12 o'clock से 6 AM तक 6 hours टोटल होते हैं, तो इसको हमें 6 hours में कन्वर्ट करना है, यानी कि दिस विल बी 16 minutes इंटू 6, तो ये हो जाएगा 1/4, 6 into 16, दैट इज़ इसको कैलकुलेट करते हैं, 15 6 90, टोटल 90° का डिफरेंस आएगा, 90° हम आगे जाएंगे, तो 82° 30' में 90° को ऐड ऑन करते हैं, 82° 30' प्लस 90° और ये टोटल हो जाएगा 172° 30' ईस्ट। सो इस तरीके से आईएसटी के अकॉर्डिंग उस प्लेस का जो मेरिडियन होगा वो 172° 30' ईस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी आवर्स ऑफ द टाइम डिफरेंस विल बी देयर बिटवीन द मोस्ट वेस्टर्न विलेज ऑफ गुजरात एंड मोस्ट ईस्टर्न विलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। गुजरात का सबसे वेस्टर्न विलेज है और अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे ईस्टर्न विलेज है, इनके जो बीच का जो टाइम गैप होगा वो 2 hours का होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लॉन्गिट्यूड ऑफ जबलपुर्स लोकेशन इज़ बिटवीन दीज ऑफ इंदौर एंड भोपाल, लैटिट्यूड ऑफ औरंगाबाद लोकेशन इज़ बिटवीन दोज ऑफ वडोदरा एंड पुणे, बेंगलुरु इज सिचुएटेड मोर साउथवर्ड दैन चेन्नई। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, बाकी लॉन्गिट्यूड ऑफ जबलपुर्स लोकेशन इज़ बिटवीन दोज ऑफ इंदौर एंड भोपाल, ये हमारा रॉन्ग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इट इज़ 10 AM IST देन वॉट वुड बी द लोकल टाइम एट सिलोंग एट 92° ईस्ट लॉन्गिट्यूड। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 10:38 AM आएगा आंसर। व्हेन इट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इट इज़ नोन एट IST मेरिडियन व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट 120° ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो इसको कैलकुलेट करने पर जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो 14 यानी कि 2:30 होगा। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन IST मेरिडियन जो है डिज नॉट पास थ्रू, इनमें से कौन से स्टेट से पास होकर के नहीं जाती है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। तो इनमें से महाराष्ट्र से पास नहीं होती है, बाकी आंध्र प्रदेश से भी पास होती है, छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश इन सभी से पास होती है। IST मेरिडियन जो है जिसका लॉन्गिट्यूड है 82° 30 मिनट्स, ये कौन से टाउन से पास होती है? तो ये प्रयागराज इलाहाबाद से पास होती है, इलाहाबाद के नैनी नाम की जगह से ये पास होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन इन इंडिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन का जो लॉन्गिट्यूड मेजर है वो 82° 30 मिनट्स ईस्ट है। हाउ मच इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम का जो डिफरेंस है वो 5.5 घंटे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द सन राइजेज एट तिराब इन अरुणाचल प्रदेश एट 5 AM देन वट टाइम विल द सन राइज इन कांडला इन गुजरात? गुजरात के कांडला में कितने बजे सनराइज होगा अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 AM पर हो रहा है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात का जो टाइम है 2 आवर्स का है डिफरेंस, तो यहाँ पर 2 आवर्स लेट होगा यानी गुजरात में 7 AM पर सनराइज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज़? इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस इन इंडिया is where the Bay of Bengal, Arabian Sea and Indian Ocean meet? India का कन्याकुमारी वो place है जहाँ पर Bay of Bengal, Arabian Sea and Indian Ocean तीनों meet होते हैं, तो ये point है कन्याकुमारी। तो इसी के साथ आज की हमारी question series भी यहीं पर end होती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरीके की जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। Thank you.